मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो टॉप बॉटम रूल्स होता है उसके बारे में। मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ कि हाईलाइट सेल रूल के अंदर जो ग्रेटर देन लेस देन वगैरह जो ऑप्शन है बहुत सारे उसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ टॉप बॉटम रूल्स के अंदर जो टॉप टेन परसेंटेज बॉटम बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप मेरा वीडियो पे फर्स्ट बार आए तो जल्द से जल्द जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक करते हुए आगे जाइए। ठीक है, चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। सबसे पहले क्या करिए कि डाटा को सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी डाटा को आप क्या कर सकते हैं कंडीशनल के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस डाटा को क्या करिए सिलेक्शन करिए। तो यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसका नाम क्या है, ये टॉप 10 आइटम्स मीन्स टॉप 10 के अंदर जो भी डाटा हो उसको फिल्टर करना चाहते हैं मीन्स हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले करिए क्या कि आप डाटा को सिलेक्शन करिए। मैं जैसे किस तरह से डाटा को सिलेक्शन कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं कुछ डाटा को यहाँ पर सिलेक्शन किया और फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और टॉप 10 पे जाने के बाद टॉप 10 आइटम्स पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ठीक है ये ऊपर से मीन्स टॉप 10 के अंदर जो भी डाटा रहेगा उसके कलर के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर टॉप 5 निकालना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर 5 लिख करके जैसे ही ओके करेंगे तो ये रेड लाइट की तरह हाईलाइट करने लगेगा। जैसे मैं ओके करता हूँ देखिए टॉप 5 जो है मीन्स ऊपर से, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अंक है वो सीरियली ढंग से यहाँ पर कलर को हाईलाइट करते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है 451 है, ठीक है, उसके बाद देखिए 372 है, फिर ये है। तो उस तरह से डाटा को क्या करेगा टॉप 10 निकालिए या टॉप 5 निकालिए उस तरह से आपका डाटा को क्या करेगा कलर के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करते जाएगा। तो ये होता है आपका क्या तो टॉप 10 के अंदर फॉर्मेटिंग करना। नेक्स्ट आपके यहाँ देखिए लिखा हुआ है टॉप 10 परसेंटेज। ठीक है, टॉप 10 परसेंटेज क्या करता है समझिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर कोई भी डाटा को सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे मैं इस तरह से डाटा को क्या करता हूँ सिलेक्शन करता हूँ ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद मैं टॉप 10 या क्या करता हूँ टॉप 10 परसेंटेज पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे टॉप 10 परसेंटेज में क्लिक करूँगा तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा आपका नंबर को क्या करेगा हाईलाइट करने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर टॉप 5 करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए टॉप 5 के अंदर ये तीन नंबर जो आते हैं आपका ये ज़्यादा है इसके ऊपर से क्या होता है ज़्यादा अंक आपका प्राप्त किया गया, ये टोटल अंक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया टॉप परसेंटेज के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना, ठीक है, और ये टॉप 10 आइटम के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, ये देखिए बॉटम क्या होते हैं, तो बॉटम इस नीचे से जैसे टॉप मीन्स ऊपर से होता है सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रखा है उसको अकॉर्डिंग से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बट ये क्या करता है जी बॉटम से करता है मीन्स नीचे की ओर फॉर्मेटिंग करता है, सबसे कम नंबर जिसका आता है उसको लेकर के हुए चलता है ये। तो जैसे कि सिलेक्शन मैं यहाँ पर करूँगा, जो ही सिलेक्शन करिएगा उसके बाद यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर जाइएगा और बॉटम, ठीक है, बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक करिए। जो भी यहाँ पर 10 आइटम जो हैं जो भी 10 नंबर हैं उसको क्या करेगा फॉर्मेटिंग करते हुए चलेगा कलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप टॉप 6 करना चाहते हैं तो टॉप 6 भी कर सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो ये कलर के अकॉर्डिंग क्या करेगा फॉर्मेटिंग कर देगा। यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 6 आइटम है जैसे एक इस तरह से उसको क्या कर रखा है फॉर्मेटिंग कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है नेक्स्ट इसी में है, देखिए बॉटम परसेंटेज। बॉटम परसेंटेज मैंने नीचे से मतलब सबसे कम अंक प्राप्त करता हुआ जो सीरियल ढंग से होता है मीन्स नीचे से जो प्राप्त किया हुआ वो परसेंटेज अकॉर्डिंग क्या करेगा फॉरवर्डिंग कर देगा मीन्स सेल को हाईलाइट कर देगा अकॉर्डिंग टू कलर, कलर के अकॉर्डिंग हाईलाइट करेगा। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि यहाँ कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से कस्टमाइज अप करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने नंबर को। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अगर यह नंबर को कम करेंगे तो ये देखिए कम डाटा को क्या करेगा नीचे से फॉर्मेटिंग करेगा मीन्स कम वाले डाटा को क्या करेगा फॉर्मेटिंग करेगा। जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, जो नंबर ज़्यादा है उसको फॉर्मेटिंग नहीं करेगा क्योंकि आप क्या चूज कर रखे हैं जी तो बॉटम परसेंटेज चूज कर रखे हैं, इसीलिए एक कम ये डाटा को चूज करेगा सेलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करूंगा ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या टॉप बॉटम रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ तक आप जा सकते हैं बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज मीन जो भी आप डाटा को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से वो एवरेज जो होता है एवरेज मान उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा फॉर्मेटिंग कर लेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एवरेज नंबर को ये क्या कर रहा है हाईलाइट कर रहा है सवेरे बाद को एवरेज ओ वी एवव मीन्स ऊपर से टॉप से जो ज़्यादा नंबर है उसको ये क्या कर रहा है फॉर्मेटिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे एवरेज नंबर कैसे पता चलेगा तो आप यहाँ पर एक फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फार्मूला लगा रहा हूँ बराबर, ठीक है, एवरेज, यहाँ पर देखिए एवरेज का ऑप्शन आ गया। ठीक है,
यहाँ पर एवरेज आ गया। उसके बाद यहाँ पर नंबर यहाँ मांग रहा है, ठीक है। वो मैं सिलेक्शन जो कर रहा हूँ, एक केमिस्ट्री का डाटा को मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ तक केमिस्ट्री का डाटा को सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पर जैसे पोस्ट बंद करके मैं इंटर करता हूँ, तो ये जो डाटा को सेलेक्ट कर रखे हैं, जितना डाटा को आप सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, वहाँ पर एवरेज मान यहाँ पर ला के रख देगा। देखिए एवरेज मान जो है आपका ये दिखा रहा है 65, मीन्स क्या कर रहा है, जो केमिस्ट्री का डाटा सिलेक्शन किया है उसमें से एवरेज मान 65 आता है, ठीक है। अब इसको देखिए सिलेक्शन करिए, ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद जैसे इस पे जाते हैं और टॉप पे जाते हैं और यहाँ से एवरेज संख्या निकालते हैं, एवरेज पर क्लिक करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर जो 65 से जो ऊपर है, जो 65 से जो ऊपर नंबर है उसी को फॉर्मेटिंग किया है, ये देख सकते हैं आप। मीन्स क्योंकि यहाँ पर चूज क्या कर रखे, एवव एवरेज, एवव मीन्स होता है जो आपका एवरेज मान है उससे ज़्यादा जो इसके अंदर नंबर आता है, इसके अंदर जो डाटा है उसको फॉर्मेटिंग किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 65 है तो 65 से कम वाले डाटा को फॉर्मेटिंग नहीं किया है, जैसे देखिए 48 है, 56 है, यहाँ पर 45 है, ये क्या है, तो एवरेज मान जो 65 है उससे कम आया है इसलिए फॉर्मेटिंग इसके अंदर नहीं किया है। तो आप इस तरह से आप एवरेज एवव एवरेज को यूज करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने डाटा को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके अंदर और एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए एवव बिलो एवरेज, मीन्स एवव मीन्स ऊपर से कर रहा था, मीन्स आप जो एवरेज मान निकाल रखे थे 65 उससे ऊपर वाले डाटा को फॉर्मेटिंग कर रहा था। अगर आप यहाँ पर जाकर के टॉप बॉटम रूल्स पे क्लिक करते हैं और एवव एवरेज पर करते हैं, बिलो एवरेज तो क्या करेगा, इस 65 जो है उससे नीचे वाले डाटा को फॉर्मेटिंग करेगा। उसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर गया मैं टॉप बॉटम रूल पे क्लिक किया और इस एवरेज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो 65 नंबर है, जो एवरेज है उससे नीचे वाले डाटा को फॉर्मेटिंग किया है, 65 जो है उससे ऊपर वाले डाटा को फॉर्मेटिंग नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 90 हो गया, 65 हो गया, 99 हो गया, ये क्या है जी, तो 65 से ऊपर आता है, ठीक है, इसलिए उस डाटा को फॉर्मेटिंग नहीं किया है कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप क्या चूज कर रखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप चूज कर रहे हैं बिलो एवरेज को चूज कर रखे हैं इसीलिए फॉर्मेटिंग नहीं किया है। तो इस तरह से बिलो एवरेज को यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से अपने डाटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो भी एवरेज के अनुसार, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से आपको मैं बताने की कोशिश किया, अगर ये वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए और फर्स्ट बार आए तो चैनल को लाइक करते हुए चलिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ।